मेरे पास ना अक्सर लोगों के मैसेजेस आते हैं आप लोगों के कि अरे एनजीओ चलाना, सोशल वर्क करना बड़ी मज़े का काम है ना, बड़ी फैसिनेटिंग सा काम है, हमें भी बड़ा मन करता है करने का। लेकिन आज आप लोगों को उस फैसिनेटिंग काम की कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ उस वीडियो के माध्यम से। आज हमारे बीच में एक विडो लेडी जिनको हम पिछले 4 से 5 साल से सपोर्ट कर रहे हैं आयुष्मान फाउंडेशन के अंदर, पलक जैन जी, कल उनकी मृत्यु हो गई रात को। वो कैंसर के फाइनल स्टेज से जूझ रही थी। उनके हस्बैंड की डेथ काफ़ी साल पहले हो गई थी और ये केस हमारे एक वॉलेंटियर के थ्रू हमें रेफर हुआ था। तब से आयुष्मान फाउंडेशन उनको हर महीने ग्रॉसरी के माध्यम से सपोर्ट कर रही थी, उनके और उनके बच्चों को, और उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रही थी और उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सपोर्ट कर रही थी, पलक जैन जी के। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ, एक एनजीओ कैसे मदद कर सकता है? राशन दे के, स्कूल की फीस भर के, दवाइयों के खर्चे दे के, ऑटो रिक्शा के पैसे दे के, बिजली का बिल भर के, घर का पेंट करा के, बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करके। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? अब तो वो जो दो छोटे उसके बच्चे रह गए हैं पीछे अपनी माँ के बिना, उनको कैसे सपोर्ट करें हम? उनके घर में केवल 4 ही तो लोग रहते थे, पलक जैन जी, उनके हस्बैंड और उनके 2 बच्चे। धीरे धीरे करते करते उस घर में सिर्फ 3 लोग रह गए, यानी कि पलक जैन जी और उनके 2 बच्चे। और अब उस पूरे घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, लोग नहीं 2 ही बच्चे बचे हैं, क्योंकि अब पलक जैन जी भी नहीं रही दुनिया में। सोच के देखिए यार, मतलब उन बच्चों को अडॉप्ट करके उनको एजुकेशन सपोर्ट दे सकते हैं, उनको मॉरल वैल्यूज दे सकते हैं, उनको चीज़ें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन वो माँ का प्यार वो कभी नहीं दे सकते। वो बच्चे अपनी ख्वाहिशें शायद किसी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले पिताजी गुजर गए और अब माँ भी नहीं रही। वो 2 छोटे बच्चे इस बात को कैसे समझेंगे, ये तो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। लेकिन सच में दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को लगता है कि सोशल वर्क करना दुनिया का सबसे आसान काम है, तो यकीन मानिए, जब ऐसे पल आते हैं ना जिंदगी में, हम तो स्पीचलेस हो जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या बोले, क्या करें, किसको बोले, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। जब पलक जी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होंगी ना, तब उनको अपने कैंसर के दर्द से ज्यादा ना इस बात का दर्द अंदर ही अंदर खा रहा होगा कि उनके जाने के बाद उनके दोनों बच्चों का क्या होगा, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन पालेगा, कैसे चीजें होंगी जिंदगी में। सोच के देखिए यार, जिंदगी में आप लोग कितनी कंप्लेन्स करते हैं, और आप में मैं भी आती हूँ, हम सब कितनी कंप्लेन्स करते हैं कि काश ऐसा होता, काश ये मिल जाता, काश वो होता, अरे ये नहीं खाना, ये तो मेरे को पसंद ही नहीं है, मुझे ऐसे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। यू शुड बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स, टू द गॉड फॉर एवरी थिंग यू हैव इन योर लाइफ, बी ग्रेटफुल। और आयुष्मान फाउंडेशन अपने हर एक वॉलेंटियर, हर एक इंटर्न, हर एक डोनर, हर एक फैमिली मेम्बर को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता है जिन्होंने पलक जैन जी के जीवन में, ज़िंदगी में हमारा साथ दिया, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, अपने आप को एम्पावर कर सकें, अपने बच्चों को पाल सकें, उनके बच्चे एजुकेशन ले सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो फाइट थी, जंग थी, ये छोटी ही सही, लेकिन आपके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं थी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।